आदर्श वॉलीबॉल क्लब के तत्वाधान में एमपी बिरला अखिल भारतीय महिलाओं एवं पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला खेला गया। यह फाइनल मुकाबला महिला वर्ग में महिला टीम करनाल और पुणे की टीम के बीच खेला गया, जिसमें करनाल टीम की जीत हुई। वहीं पुरुष वर्ग में रेड आर्मी हैदराबाद और ग्रीन आर्मी सिकंदराबाद के बीच में खेला गया, जिसमें रेड आर्मी हैदराबाद ने अपनी जीत दर्ज कराई। मैहर के आदर्श वॉलीबॉल क्लब के तत्वाधान में एमपी बिरला अखिल भारतीय महिला एवं पुरुष वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। इसमें महिला टीम का मैच करनाल और पुणे की टीम के बीच खेला गया, जिसमें करनाल ने 3-0 से जीत दर्ज कराते हुए ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। वहीं पुरुष वर्ग का मैच रेड आर्मी हैदराबाद और ग्रीन आर्मी सिकंदराबाद के बीच में खेला गया, जिसमें रेड आर्मी हैदराबाद ने जीत हासिल की। महिला वर्ग में विजेता टीम को 21,000 रुपए एवं उपविजेता टीम को 15,000 रुपए की सम्मान राशि दी गई। वहीं पुरुष वर्ग में विजेता टीम को 31,000 और उपविजेता टीम को 21,000 रुपए की सम्मान राशि मिली। इस जीत पर महिला विजेता टीम ने कहा कि हम कई जगह मैच खेले हैं, लेकिन यहां जैसी व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिली। वहीं पुरुष वर्ग टीम ने कहा कि ये ऑल ओवर में सबसे बेस्ट टूर्नामेंट है, हमें यहां आकर बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोग्राम था, ये हम बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, लेकिन जो यहाँ का प्रोग्राम मतलब कि रहने का और खाने का सब कुछ, मतलब ग्राउंड वगैरह सब अच्छे, मतलब अच्छा था यहाँ का। हम जहाँ भी जाते हैं वैसे तो हमारी फर्स्ट प्लेस ही रहती है, और हम बहुत सारी ओपन टूर्नामेंट भी खेलते हैं और नेशनल वगैरह में भी जाते हैं, बहुत खेले हुए हम एक ही ग्राउंड के हैं सभी, तो हमारा कॉम्बिनेशन तो ओबीसी मतलब हो गई, मतलब सारे प्लेयर एक साथ ही रहते हैं, तो हम मतलब पूरा एकजुट होकर ही खेलते हैं जब भी हमारी पोजीशन आती है, और सारे हमारे जो जूनियर हैं वो भी अच्छे ही हैं। ऑल इंडिया टूर्नामेंट है, बहुत अच्छी टूर्नामेंट होती है इधर एमपी में। ऑल इंडिया टूर्नामेंट इंडिया में सबसे ज्यादा केरला और एमपी में होती है, तो हमें इधर आके बहुत अच्छा लगा, और हमारी दोनों ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी सिकंदराबाद में प्रैक्टिस करते हैं। वॉलीबॉल एक टीम गेम है, टीम गेम में कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है, पर हमारी टीम में हम लोगों ने काफी अलग अलग जगह से प्लेयर लिए थे, तो हम कम कॉम्बिनेशन बना नहीं पाए थोड़ा सा, पर सामने वाली टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा था, इसलिए वो हमसे एक नंबर ऊपर थी। हम ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेलते हैं, फिर चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया में खेलते हैं, तो वो कोई भी स्टेट हो सकती है। मैहर वैसे भी आपकी शारदा माता के लिए फेमस ही है, काफी अच्छा लगा यहाँ पर आकर, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। हम आएंगे, हम चाहेंगे कि अगर नेक्स्ट टाइम बुलाएं तो हम पक्का आएंगे। इस फाइनल मैच के आयोजन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सतना सांसद गणेश सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए प्रशंसा जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कल इन्हीं खिलाड़ियों के बीच में से कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाए। उनके उत्साह वर्धन के लिए समय समय पर ऐसे आयोजन होना ही चाहिए। आदर्श वॉलीबॉल क्लब के सचिव अरुण मिश्रा ने समापन कार्यक्रम में सभी का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन पर नगर के वरिष्ठ एवं गणमान्य व्यक्ति एवं जनता मौजूद रही। खिलाड़ी करते हुए गांव में जो खेल के संबंध में हमारी प्रतिभाएं, ये दूसरा सेट है, पहला सेट में तो अपने सांसद ट्रॉफी हो रही, विधायक ट्रॉफी हो रही, उसका केवल उद्देश्य ही गांव के भीतर भी हमारे खिलाड़ी जो है जिनको प्रतिभा अपने प्रदर्शन करने के निखारने का अवसर नहीं मिलता, उन्हें अभ्यास का, उन्हें खेलने का एक अवसर देने का काम, इसलिए खेल इंडिया की योजना पूरे देश में। इस पूरे आयोजन में मैहर के हर प्रबुद्ध वर्ग, हर खेल प्रेमी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में दिन रात एक कर दिए, और आज जिस ढंग से टूर्नामेंट संपन्न हुआ उसके आप सब साक्षी हैं। एमपी बिरला कप जिन पे स्पॉन्सरशिप में हो रहा था, उनके माध्यम से हमको बराबर सहयोग मिला, पूरे पत्रकार साथी सभी का भरपूर सहयोग मिला। पुरुषों की 8 टीम आई थी और महिलाओं की 4 टीम, जिसमें अभी पुरुषों के समापन ग्रीन आर्मी और रेड आर्मी के बीच खेला गया, जिसमें रेड आर्मी विजयी रही। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।